ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखाविताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु ते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गरीदशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज 12वें दिन में और सबसे अंतिम अध्याय भक्ति योग के अंतिम अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम इस अध्याय का इस भाग का भक्ति योग भाग का हम सबसे अंतिम अध्याय करने वाले हैं। बहुत सुंदर अध्याय है और बहुत छोटा भी अध्याय है और बहुत सुंदर है। परंतु ठीक है, इससे पहले ने कल क्या अध्ययन करा था, कल वैसे हमने सबको स्मरण में होगा, कल हमने विराट रूप का अध्ययन किया जहाँ पे अर्जुन के प्रार्थना पे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप दिखाया कि जिसका ना अंत होता है ना मध्य है ना शुरुआत दिखता है, अनेक अनेक मुख दिखते हैं, अनेक सिर दिखते हैं, अनेक कान, अनेक पेट, अनेक हाथ, अनेक सब चीज, इतना अनेक दिखता है अर्जुन को। भगवान दिखाते हैं कि उनके शरीर के अंदर ही भगवान सारे देवता महर्षि सब उनके देव उनके शरीर ब्रह्मांड विष्णु स्वयं उनके शरीर के अंदर दिखाते हैं भगवान। और ये भगवान विराट रूप क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अर्जुन आगे आने वाले जो कलयुग है उसमें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सके कि कोई कल को कहता कि मैं भगवान हूं तो सबसे पहले उनसे प्रश्न करना है कि भगवान ने तो जब संवैधानिक फिलोसफिकली जब उन्होंने भगवान बोला था तो खुद का विराट रूप भी दिखाया था, तो अगर आप भगवान है तो विराट रूप दिखाइए, है ना। तो ये एक उदाहरण देने के लिए, उदाहरण दृष्टांत देने के लिए, समझाने के लिए ये विराट रूप भगवान ने दिखाया। और जब विराट रूप को देखने के बाद भगवान दूसरा क्या रूप दिखाते हैं, दूसरा काल रूप दिखाते हैं। काल कौन सा रूप है, वो रूप जो समय का रूप है कि समय के साथ साथ सभी को विनिष्ठ होना है। भगवान क्या बोलते हैं, कलो अस्मिन् लोक क्षय कृत प्रविधो, यानी मैं काल रूप में सबको सबका अंत कर सब काल के रूप में सबका अंत होगा और मैं यहाँ पे सबका अंत करने आया हूँ, ठीक है। और अर्जुन को बताते हैं कि सारे जितने उनके विरोधी दल के हैं, चाहे वो भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, जितने भी हैं वो भगवान के मुख कमल के अंदर सारे प्रवेश कर रहे हैं। भगवान दिखाना चाह रहे हैं इनकी ये सारे के सारे मारे जाएंगे, सिर्फ तुम पांच पांडव हैं वही बचेंगे, ऐसा करके भगवान बताते हैं। तो इसलिए अर्जुन तुम उठो, युद्ध करो और इनको मारने का श्रेय लो, निमित्त मात्र बनो, ठीक है। ऐसा करके भगवान अपने भक्तों को यश दिलाने के लिए बताते हैं कि तुम युद्ध करो क्योंकि इनका मरना तो तय है, ठीक है, तो तुम इनको मार करके यश अर्जित करो।
अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान अब मैं आप अपने पुराने रूप चतुर्भुज रूप में मुझे अपने आप को प्रकट कीजिए। भगवान फिर प्रकट करते हैं अपने चतुर्भुज रूप में और फिर चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में प्रकट करते हैं और फिर क्या बताते हैं भगवान, भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुं दृष्टुं न तत्त्वेन प्रवेष्टुं त च परम तप, कि मुझे भक्ति के आंखों से ही तुम देख सकते हो, अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा देखा जा सकता है। ये सारे रूप जो हैं कल के, विराट रूप बोलिए, चतुर्भुज रूप बोलिए, या द्विभुजा रूप बोलिए, उसको देखना भगवान कहते हैं बहुत ही दुष्कर है। सिर्फ भक्ति के प्रेम के अंग प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने ना, सिर्फ प्रेम के अंजन से और भक्ति के काजल से हम भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विराट रूप हमने कल अध्ययन किया। आज एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण विषय में अर्जुन प्रश्न करेंगे। आज का अध्याय का शीर्षक ही है भक्ति योग। ठीक है, तो आज का अध्याय बहुत विशेष होने वाला है और अर्जुन का जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, उससे ये शुरू होता है। ठीक है, इसमें भगवान कुछ अर्जुन के कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। दूसरा भाग आएगा कि भक्ति की सरलता को, भक्ति कितनी सरल है और कितनी सरल से कर सकते हैं, उसके उसके स्टेप्स बताएंगे, उसके कितनी स्टेप्स होते हैं वो बताएंगे। ठीक है, और अंत में भक्तों के कुछ गुण का वर्णन करेंगे भगवान, कि इन गुणों से भक्त मुझ तक पहुंच सकते हैं, ये गुण पाया जाता है भक्तों में। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न अर्जुन कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताम ये भक्तवान त्वं पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द पढ़ेंगे फिर इस श्लोक को प्रश्न को समझेंगे। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वे अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति के विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु उस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्जुन का क्या प्रश्न है यहाँ पे, कि भगवान मुझे ये बताइए कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। इसमें ये हमें जानना बहुत जरूरी है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो आपके निर्गुण रूप में आपको आराधना करता है। निर्गुण रूप का क्या मतलब हो गया, कि वो किसी भगवान का सगुण रूप को नहीं मानता है, वो भगवान को सिर्फ एक ज्योति के रूप में मानता है या निर्विशेष रूप में मानता है। ठीक है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है या फिर भगवान का साकार रूप। तो निर्विशेष रूप क्या है, निर्विशेष जो रूप को अध्ययन करते हैं, निर्विशेष रूप का जो अर्चना करते हैं उनको निर्विशेषवादी बोला जाता है। उनका उसका क्या मतलब है, वो सिर्फ भगवान को एक ज्योति के समान समझते हैं। ठीक है ना, ऐसे कई पंथ होते हैं, उन सभी पंथों का नाम लेना ठीक नहीं है, ऐसे कई पंथ होते हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, भगवान की निराकार रूप को मानते हैं। भगवान निराकार है, ठीक है, भगवान सिर्फ एक लाइट है। ठीक है, परंतु अर्जुन यहाँ पे बस यही प्रश्न है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, वो जो वो भगवान की ज्योति में अपना भगवान की ज्योति को अर्चना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, या भगवान की साकार रूप की आराधना करते हैं, भगवान की अर्च विग्रह, भगवान की तस्वीर, तो वो कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये प्रश्न है अर्जुन का।
तो ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं भगवान कैसे समझाते हैं। देखिए, श्री भगवान उवाच मैया मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्ते मे युक्त मो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो पहल प्रश्न क्या है अर्जुन का, कौन सा सर्वश्रेष्ठ भगवान, साकार रूप का अर्चना सर्वश्रेष्ठ है या निराकार रूप का अर्चना सर्वश्रेष्ठ है? तो पहला, भगवान साकार रूप को ले रहे हैं, निराकार बाद में समझाएंगे। साकार में क्या भगवान बताते हैं कि मेरे जो साकार रूप का मैं अपना मन एकाग्र करता है, क्या करता है, मेरा मन एकाग्र करता है मेरे लिए, मेरे अर्च विग्रह को सफाई करता है, मंदिर का मार्जन करता है, फूल चढ़ाता है, भोग अर्पित करता है, मंदिर की सफाई करता है, बाजार में जाकर के भगवान के लिए भोग बनाने के लिए सामग्री एकत्रित करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान की ग्रंथों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भगवान की साकार रूप, भगवान का साकार रूप में अपना चित्त एकाग्र करता है, भगवान का अर्च विग्रह में। तो ऐसे को भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे में हमेशा रमे रहते हैं, ठीक है, और परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो पिक देख रहे हैं, ये अर्च विग्रह जो है ये मायापुर का है। ठीक, अब दूसरा पार्ट निराकार। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये पाठ किसका है, निराकार का। तो निराकार में भगवान के लिए वो क्या करता है, निराकार जो भक्त होता है, ध्यान योग में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि वह व्यक्ति क्या करता है, पहले अपना आठ 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 प्रोसेस फॉलो करता है। क्या क्या करता है वो, यम करता है, नियम करता है, आसन ग्रहण करता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार करता है, धारणा ध्यान और समाधि। समाधि वो में धारणा प्रत्याहार में क्या करता है वो बिल्कुल सारी भौतिक इंद्रियों को बंद कर देता है। बंद इंद्रियों को बंद करने का क्या मतलब है, कुछ भौतिक चीजें सुनना नहीं है, जिससे उसका मन छिन्न होगा, कुछ ऐसी चीजें देखने का प्रयास नहीं करता जिससे उसका ध्यान विचलित होगा, कुछ ऐसे बोलने का प्रयत्न नहीं करता है जिससे उसका जो ध्यान है वो भंग होगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है, अपनी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे क्या क्या ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे कान हैं, हमारे नाक हैं, हमारे त्वचा हैं, हमारे नाक है, ठीक है, और हमारी जननेन्द्रियां हैं, हमारा कंठ है और हमारी जीवा है और हमारी जननेन्द्रियां, जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, उसको क्या करता है ज्ञान योगी, उसको ये करता है कि इन सबके द्वार को बंद कर देता है, ना कुछ देखता है, ना सुनता है, ना कुछ खाने का प्रयत्न करता है, तो सबके सबको बंद कर देता है। लेकिन निराकार क्या करते हैं, साकार लोग इन सब पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के अर्च विग्रह को देखते हैं, भगवान की कीर्तन को सुनते हैं, भगवान को उच्छिष्ट प्रसाद का ग्रहण करते हैं, भगवान को फूलों का सुगंध लेते हैं। तो ये फर्क है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये भी अंततः मुझ तक पहुंचते हैं, निर्विशेषवादी और निराकारवादी वो भी मेरे अंत तक मुझ तक पहुंचते हैं। साकार तो पहुंचते ही है, लेकिन ये भी धीरे 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 धीरे, लेकिन वही है, इनको बहुत जन्म लग जाता है। ठीक है, सातवें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते, ये धीरे 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 आते हैं लेकिन अंततः पहुंचते हैं। तो ये अभी तक तो भगवान ने दोनों को समानांतर दिखाया है, क्या दिखाया है, साकार रूप तो मेरे तक पहुंचता ही है, निराकार भी मेरे तक पहुंचता है लेकिन धीरे धीरे पहुंचता है। अब दोनों को समानांतर दिखा करके अब भगवान एक की सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे। देखिए क्या कहते हैं,
कलेशो अधिकतर अस्ते शाम, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, देह अवधीर वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। यहाँ आप क्लियर कर रहे हैं भगवान कि ज्ञान योग में क्या करता है व्यक्ति निराकार के लिए, वो अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को बंद कर देता है। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रियों को बंद करके क्या करता है, अपना जो चित्त है भगवान पे एकाग्र करता है। कितना कलेशों भरा है, भगवान कह रहे हैं हमारे जीवन में कलेश थोड़ी कम है कि भगवान की भक्ति भी करें तो उसमें भी कलेश आने लग जाए। तो ये बहुत कलेशों भरा है, बहुत समय लगता है, और निराकार पे चित्त एकाग्र करना बहुत ही कठिन है। कैसे कठिन है, रूपा जी समझाते हैं कि जब से हमारा हम शरीर लेते हैं तब से हम बिना शरीर के कोई चीज को कल्पना करना हमारे लिए बहुत दुष्कर होता है। ठीक है, क्योंकि हम खुद ही शरीर है ना, हम खुद शरीर बन के आए हैं, तो बिना शरीर के किसी के ऊपर चित्त एकाग्र करना कितना कठिन है, और बरसों 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 तक बहुत कठिन है, कलेशों भरा है। जबकि साकार मूर्ति का पूजा क्या है, साकार मूर्ति वो सामने साक्षात्कार भगवान के अर्च विग्रह, सुंदर सुंदर अर्च विग्रह को देखता है और उनके आगे नाचता है, उनके लिए कीर्तन करता है। लेकिन वहां पे तो कुछ भी नहीं है कि इसी को देख करके नाचेगा कहाँ, कुछ दिख ही नहीं रहा तो नाचेगा कैसे। ठीक है, ना नाचता है ना कीर्तन करता है, वहां आनंद नहीं। ठीक है, आनंद नहीं है, इसलिए मार्ग वहां पहुंचता है परंतु बहुत कलेशों भरा है, क्योंकि अंधकार में ढूंढना है, एक ज्योति में ढूंढना है। ठीक है, और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा दृष्टांत भी प्रस्तुत करते हैं कि मान लीजिए अब तो इनका यूज नहीं होता है, पहले टाइम में चिट्ठी भेजना होता था, ज्यादातर तो लेटर बॉक्स में चिट्ठियां जाती थी, लेटर बॉक्स में डाल देते थे और चिट्ठियां पहुंच जाती थी। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बताते समझाते हैं कि मान लीजिए पहले समय में एक लेटर बॉक्स होता था, और कई ऐसे लेटर बॉक्स होते थे जो ताला लगा रहता था, उसको खोला नहीं जाता था, मतलब अधिकृत नहीं थे। ठीक है, तो कभी कभी वो खुलता था। प्रभुपाद जी समझाते हैं आपने दो जगह चिट्ठी ली, एक तो जो पोस्ट ऑफिस द्वारा अधिकृत है और एक जो पोस्ट ऑफिस द्वारा अधिकृत नहीं है, या फिर उसमें श्योर नहीं आप पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक से तो आपके चिट्ठी पहुंच जाएगा लेकिन दूसरा में आपको पता नहीं है, आप बिल्कुल उस पे निश्चिंत नहीं है कि वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो उसी तरह जो भगवान का साकार रूप है ठीक उस लेटर बॉक्स की तरह है, कि हमें मालूम है हमारी भक्ति भगवान जरूर आदान प्रदान करेंगे क्योंकि हम साक्षात्कार देख रहे हैं, परंतु निराकार में क्या है, निराकार में कलेशों भरा है। और कभी कभी क्या होता है, वो एक सीमा तक पहुंचने के बाद उसमें एक भगवान बनने की भी प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि वो सिद्धियां, बहुत सारी सिद्धियां एकत्रित कर लेता है। ठीक है ना, तो 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, तो अपने आप को ही जैसे जादू सीख लेता है, अनीमा लघिमा, छोटा बन जाता है, बड़ा बन जाता है, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसमें अपने आप को वो भगवान समझने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्वोच्चता को क्या स्थापित कर रहे हैं कि जो निराकारवादी है वो वहां वो बहुत कलेशों भरा है, उसको पूरा उपनिषद समझना पड़ेगा। पहले तो क्या करेगा, वो पहले भगवान को उपनिषदों के द्वारा समझेगा, फिर उस पे चित्त एकाग्र करेगा, फिर चित्त पे भगवान को, भगवान का परमात्मा को, परमात्मा पर अपना ध्यान एकाग्र करेगा, और जब ब्रह्म में पहुंच भी जाएगा तो वहां उसको आनंद लेने के लिए कोई चीज है ही नहीं, वहां तो अंधेरा है। ठीक है, तो वहां तो जो जैसा सगुणवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो भगवान के सामने नाच रहे हैं, भगवान के अर्च विग्रह के सामने, लेकिन वहां तो कुछ भी है ही नहीं नाचने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो भगवान अभी सगुणवादी यानी कि जो साकार भगवान का सगुण साकार रूप है उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए फिर अब इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। सर्वोच्चता, ये तु सर्वाणि कर्माणि
मयि सनस्य मत्परा अनन्येव योगे नमाम ध्यानंत उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरत पार्था मय्यावेश चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान, जैसे एक प्रश्न आया था ना, जब हम 8वां अध्याय कर रहे थे तो प्रश्न आया था कि क्या गति होगी उसकी जो अंतकाल में भगवान को स्मरण नहीं कर पाएगा। भगवान उसमें बोलते हैं ना कि मेरे को जब अंतकाल में स्मरण करेगा वो मेरे धाम को या मेरी स्वभाव को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु एक प्रश्न आया था उस दिन एक प्रभु या माता ने किया था कि क्या अगर उसको अंत अंत में भगवान का स्मरण नहीं है और शरीर शरीर साथ नहीं दिया या कोई कारण से भगवान को स्मरण नहीं हुआ तो क्या उसकी गति क्या होगी। तो भगवान क्या कहते हैं उसको, देखिए, मृत्यु तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। भगवान खुद लेने आएंगे, ठीक है, भगवान खुद लेने आएंगे। इस चित्र के माध्यम से भगवान हमें स्वयं लेने आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा भगवान पे मन लगा रहता है। तो हमें करना क्या है, भगवान का नित्य भगवान के साकार रूप के आगे हमें अपना नाम का जप करना है, नाम का स्मरण करना है, ठीक है। तो जो हमारा चित्त है, देखिए, अगर हम इंद्रियों को भगवान के चित्त के ऊपर एकाग्र नहीं करेंगे तो इंद्रियां तो बच्चे बच्चे की तरह है। बच्चा का क्या है, बच्चे को आप कुछ दे, जब तक उसको हाथ में कुछ अच्छी चीजें आप नहीं दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेगा। उसी तरह इंद्रियां क्या है, अगर आपने उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाई, भगवान का अर्च विग्रह पे ध्यान लगाना, भगवान का कीर्तन करना, श्रवण करना, जब तक ये आप नहीं लगाइएगा इंद्रियों को, तो वो कोई ना कोई और कार्य करेगा, ठीक है। तो अब जैसे कई लोग होते हैं ना कि किसी पे आसक्त नहीं होते हैं, बच्चे बाहर चले गए, सारे कोई घर में अब है नहीं, तो क्या करते हैं बहुत लोग अपने घर में, क्या करते हैं, जानवर को ले आते हैं, उसको पेट बना लेते हैं और उसी में अपना चित्त एकाग्र कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इफ यू डोंट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व अ डॉग। क्यों, क्योंकि हम समझते हैं कि हम उस कुत्ते के मालिक हम हैं, लेकिन आप सोच करके स्मरण करके देखिए, अगर कुत्ते को भी हम पालते हैं तो क्या होता है, कुत्ता जब कोई कार्य अपना दैनिक कार्य करने जाता है तो हम जब तक वो दैनिक कार्य करके समाप्त नहीं करता है तब तक हमें उसे खड़ा होकर के वहीं उसका मालिक खड़ा रहता है, ठीक है। तो मालिक मालिक जो है, कुत्ता उसका मालिक है कि मालिक उसका, उस कुत्ते का वो मालिक है, तो कुत्ता उसका मालिक है, हमें क्या, वो क्या कर रहा है, वो अपने कुत्ते का सर्व कर रहा है। वो प्रोपाज इसलिए करते हैं, इफ यू डोंट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व अ डॉग। तो हमारा चित्त कहीं ना कहीं एकाग्र करना बहुत आवश्यक है, और वो आवश्यक वो चित्त कहाँ एकाग्र करना है, भगवान के ऊपर में, ताकि हम इन सब चीजों से दूर रहें। अब भगवान बहुत सुंदर 4-5 श्लोक आने वाले हैं जहां भगवान भक्ति के डिफरेंट स्टेप्स, अलग अलग तरीके के लिए, तेरे अलग अलग तरीके से बताएंगे कि भक्ति कितना सरल है। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो। और आज के अध्याय में हम दोबारा से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, बहुत हमारा इस पे दोबारा चर्चा हो रहा है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डाउट आपके क्लियर होंगे, जो डाउट रह गया था। मय्यावेश मन मय्येव मनम मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अथ उधर्व न संशय। मुझे भगवान ने अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। पहला स्तर है भगवान का क्या, मय्येव मन आधस्तव, मुझ में मन लगाओ। सबसे पहला, सबसे उत्तम है भगवान पे निरंतर मन लगाना। मन लगाने का क्या मतलब है
कि भगवान हमारे मन से कभी जाएंगे ही नहीं, ऐसा। ठीक है, भगवान हमारे मन से कभी नहीं जाएंगे। अभी जैसे कल मैंने उदाहरण आपको दिया था कि कब कोई एक युवक और युवती के बीच में जब एक आसक्ति होती है, तो युवक युवती एक हमेशा एक दूसरे के प्रति स्मरण करते रहते हैं हर समय। ठीक है, छोटा बच्चा है, माता हमेशा अपने बच्चा उसके आंख से एक समय भी ओझल हो जाता है तो हमेशा स्मरण करती है। ठीक उसी तरह ये वो स्टेज है जहां पे भक्त जो है भगवान का हर समय स्मरण करता है। वो कैसे आता है स्टेज? वो स्टेज तब आता है जब भगवान के हम निरंतर नाम का जप करते हैं। तो हमारे आगे अगर भगवान का अर्श विग्रह नहीं भी है तो भी भक्त के मन में हमेशा भगवान का स्मरण आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पहला नहीं सबसे श्रेष्ठ ये भगवान की भक्ति है। ठीक है, अब दूसरा आ रहा है भगवान ये कह रहे हैं कि ठीक है चलो, अगर तुम मेरे शुरू शुरू कर रहे हो तो तुम मेरे पे मन एकाग्र नहीं करता, तुम इतने कार्य में व्यस्त रहते हो, मन में एकाग्र नहीं कर पाते, तो क्या करो, अथ चित्तम समाधा तुम न शक्नो शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा अब तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, अर्जुन का नाम, अर्जुन को धनंजय भी बुलाते थे। ठीक है, धनंजय क्यों? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो अर्जुन सबसे ज्यादा धन एकत्रित करके युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने दिया था, इसीलिए उनका उनको धनंजय भी बुलाते हैं। धन जो धन को धन अर्जित कर पाता उसको धनंजय। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों को पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की यह चाह उत्पन्न करो। तो अगर भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पे मन नहीं लगा सकते तो क्या करो, तुम मेरे पे अपना भक्ति के विधि विधानों का पालन करो जो हमारे आचार्य बताते हैं। क्या विधि विधान है भक्ति के? विधि विधान क्या होते हैं? सुबह मंगल आरती करना, भगवान को उच्चिष्ट भोग अर्पित करना और प्रसादम ग्रहण करना। ठीक है, भगवान का हरि नाम का जप करना, भगवान के अर्ष विग्रह को सजाना, फूल चढ़ाना, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना। ठीक है, श्री भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये वेदी भक्ति भक्ति के कुछ नियम है, इसको पालन करना। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम्हारा मन पूरा दिन मेरे पे नहीं लगता है तो ये भक्ति के नियमों का पालन करो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये भक्ति के नियमों का अगर हम फॉलो करते रहते हैं, पालन करते रहते हैं, पालन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक ना एक समय ऐसा आएगा, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितनी श्रद्धा से भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, जितनी दृढ़ता और श्रद्धा के साथ पालन कर रहा है, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज हमारे यहाँ घर में घर के बाहर कोई शादी या फंक्शन हुआ। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने भगवान को दिन में 2 बार भोग अर्पित करते हैं और हमें ऐसा लगा हमें भूल गए भोग अर्पित करना और हम उस शादी में चल के खुद का अपना भोजन कर लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी श्रद्धा विकसित नहीं हुई। जैसे ही हम घर से बाहर भोजन करने के लिए निकले तो हमें ये मन में आना चाहिए, अरे हमने तो भगवान को तो भोग अर्पित किया ही नहीं, उनको भोग अर्पित किए बिना हम बाहर भी कैसे खाना खा सकते। ठीक है, तो ये श्रद्धा अगर हम इन भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो धीरे 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 एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान पे हम अपना मन भी सर्वदा लगा सकते हैं, हमेशा हमें भगवान का स्मरण होता रहे। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, पहला मन लगाने बोल रहे हैं, इसके बाद अगर मन नहीं लगता है तो भक्ति के नियमों का पालन करने बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते
तो मेरे लिए कर्म का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त हो पाओगे। तो पहला दो जो है वो मन और बुद्धि का इस्तेमाल करना है उसमें, ठीक है। यानी पहले में मन लगाना है, मन नहीं लगता है तो बुद्धि लगाना, बुद्धि के द्वारा वेदी भक्ति के नियमों का पालन करना। अब जो अगले तीन आएंगे, अगला दो आएगा वो फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। हमारा मन नहीं लग रहा है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी है, कर्म के द्वारा हम भगवान को पूज सकते हैं, भगवान को अर्पित। लेकिन ये सबसे पहला है स्टेज, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने के से तुम पूर्ण अवस्था को सिद्धि प्राप्त करोगे। किस तरह का कर्म करना? भगवान के लिए कर्म करना, मंदिर निर्माण करना, करने में सहायता करना है। कोई अगर किताब छपवा रहा है कोई मंदिर, तो किताब भगवान के ग्रंथों में किताब छपवाने में मदद करना है। किसी तरह से भगवान की सेवा करना है, ठीक है, अपने कर्मों से। लेकिन अभी वो जो भक्त है अभी मन और बुद्धि भगवान पे नहीं लगाया है, अभी सिर्फ कर्मिक फिजिकल लेवल पे है, ठीक है। कर्म योग से वही भगवान की भक्ति करता है जिसमें राजसी गुण बहुत प्रबल होता है, ठीक है। वो भगवान के ऊपर अपना मन एकाग्र नहीं कर पाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, भगवान तो कोई है, भगवान तो श्रेष्ठ है, उनको ये ज्ञान है। इसलिए वो क्या करता है, कर्मों के द्वारा भगवान का कर्म करता है, लेकिन उसके मन में हमेशा भगवान अभी स्मरण में नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये कर्म का स्टेज है, ठीक है, कि वो कर्म करो। तो हमने 27वें श्लोक में ही पढ़ा था ना, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो इसको हम दोबारा रिविजिट करते हैं, दोबारा इसको हम समझते हैं कि कर्म योग में क्या। एक और श्लोक पढ़ते हैं फिर इसको हम समझेंगे। अथैदत् अपि अशक्तो अशि कर्तुं मद्योगमाशितः सर्व कर्म फलम त्यागम ततः कुरु यतात्मना यतात्मान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। पहला स्टेज क्या, मन लगाओ। मन नहीं लग रहा है तो क्या, वेदी भक्ति के नियमों का पालन करो, ठीक है। तो ये हो गए हैं बुद्धि और मन के स्तर में। हम अगर भगवान की वेदी भक्ति के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे तो फिर भगवान क्या करने बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, मंदिर बनवाओ, मैं जो मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य हो सकता है वो करो। वो भी नहीं कर सकते हो, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो। कई लोगों को पारिवारिक व्यवधान आता है, या समाज या परिवार का व्यवधान आता है ना, कि परिवारगण नहीं चाहते हैं कि कर्म करे जा करके। तो उसके लिए भगवान फिर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर पाते हो, एक काम करो, अपने फल को मेरे को अर्पित कर दो, फल को त्याग दो। उसका क्या मतलब हुआ, फल त्याग का मतलब है अपना कमाई का गाढ़ा, अपना कमाई का मोटा रकम हम दान में दें, ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये दान देने की संस्तुति क्यों करते हैं। दान देने की संस्तुति इसलिए करते हैं कि दान जो हमारा जो कमाई होता है उससे हमारी आसक्ति बहुत बहुत आसक्ति बहुत होती है हमारे धन से। तो आप देखिए, जब हम किसी को दान देना शुरू करते हैं अपनी, तो क्या होता है हमारा, हम एक जिससे हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति होती है वो उससे हम बिल्कुल आसक्त होने लगे, आसक्त हमारी बिल्कुल हटने लग जाती है। और धन एक ऐसा वस्तु है जो उसकी आसक्ति जो है सभी रिश्तों और संबंधों में एक दूरी बढ़ाती है, क्योंकि हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है ना, जिसके कारण हम दूसरे चीजों को कम आंकते हैं उसके सामने। तो जिस चीज को हमारी, भगवान का कहने का मतलब है कि जो हमारे जिससे ज्यादा हमारी आसक्ति है उस चीजों को हमें उसका गाढ़ा रकम, या तो मंदिर बनवाइए या अस्पताल बनवाने में लगाइए या कोई पुण्य कार्य में लगाइए। तो इसमें क्या होगा, हम धीरे 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 आसक्त, हमारी आसक्ति जिन चीजों में आसक्ति है वो कम होने लगेगी।
और भगवान के ज्ञान में रुचि बढ़ने लगेगी। तो ज्ञान में जब रुचि बढ़ने लगेगी तो एक न एक समय ऐसा आएगा कि हम भगवान की वेदी भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हैं। वेदी भक्ति के नियमों का पालन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हम भगवान को अपने मन में भी एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये श्लोक के बाद मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यास यद यज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फलम त्याग सत्या गच्छन्ति अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर कर्म का फल का त्याग है। इस तरह त्याग त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कर्म फल का भी त्याग नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्रों का अध्ययन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि तुम में तुमको जिस चीज में आसक्ति होने लगी है वो आसक्ति को हटा करके उन चीजों को तुम मुझ पे अर्पित करने लगोगे। अर्पित करते करते ऐसा होगा कि मेरे लिए कर्म करने लगोगे। कर्म करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे लिए भक्ति के नियमों का पालन करोगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम मेरा मन मुझ में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा से भगवान ने बताया है कि भक्ति करना कितना सरल है। और यहाँ पे दोबारा भगवान ने बताया कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है। ज्ञान योग और कर्म योग से हम भक्ति भक्त कर्म योग और ज्ञान योग में ये जो मार्ग है अपने आप में पूर्ण मार्ग नहीं हो, भगवान को एक सीमा तक ला करके छोड़ सकते हैं भगवान के स्मरण को। लेकिन हम भगवान के कर्मों के द्वारा भगवान को हमेशा स्मरण नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक और उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे मंदिर है, एक मंदिर में एक 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 प्रभु हैं जो बहुत अच्छा भोग बनाते हैं। ठीक है, भोग बनाते हैं, बहुत अच्छा कुक है, उनको स्वादिष्ट भोजन बनाने की, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाता है। तो वो क्या करते हैं कि एक अपने मित्र के साथ, उनको भगवान में रुचि तो होती है, पहले तो वो कर्म कांड करते रहते हैं, अपने कर्म कांड करते रहते हैं, तो अपने मित्र के साथ एक दिन मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो अपने मित्र उनको बोलता है, तुम क्या भगवान के लिए भोग बना सकते हो? हाँ, मुझे तो भोग बहुत अच्छा आता है बनाने के लिए। ठीक है, तो भगवान का भोग बनाता है, भगवान को भोग अर्पित करता है, सारे भक्तों को खिलाता है प्रसाद के रूप में। परंतु यहाँ पे क्या है, वो चाहता है कि जो उसने भोग अर्पित बनाया है उसकी थोड़ा सा वाहवा लोग करें। तो ये क्या हो गया, ये सकाम कर्मी हो गया, कुछ दे रहा है पर सकाम कर्मी। अब इसका सेकंड स्टेप चलते हैं, इससे एक ऊपर ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी ये इस व्यक्ति को बोल दीजिए कि यार तुम्हारे मन में भगवान हमेशा स्मरण आते हैं? नहीं, मेरे मन में नहीं आते। इसके एक स्टेज ऊपर है। क्या स्टेज ऊपर है? ये व्यक्ति भगवान के लिए भोग बनाता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये निष्काम कर्म योग हो गया। भगवान के लिए भोग अर्पित करता है और भगवान को और किसी भी चीज को ये भी नहीं चाहता कोई मेरे मुझे वाह वाह बोले, बस वो खुश हो जाता है भगवान को भोग अर्पित करने के करते ही। परंतु मंदिर बोलता है उसको कि क्या पात्र, तो जितने पात्र हैं वो गंदे हो गए हैं, उसको क्या साफ कर सकते हो? नहीं, मैं तो यहाँ से भोग बनाने के लिए हूँ, भोग अर्पित कर दिया हूँ, लेकिन पात्र को साफ नहीं कर सकता। तो उसका क्या हो गया, उसको पूर्ण रूप से भगवान पे अपना अपना चित्त नहीं एकाग्र कर पाया। मन अगर भगवान से मन मन से प्रेम है तो वो हर कार्य करेगा जो भगवान को प्रसन्नता है। वो पात्र भी साफ करेगा, वो खाना भी बनाएगा, वो झाड़ू भी देगा, सब करेगा काम। तो अभी मन नहीं लगा उसका। तब वो धीरे 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 फिर एक क्या करता है, फिर उसे लगता है कि ठीक है, एक भोग बनाते 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 लगता है भगवान के लिए कुछ अध्ययन भी करना चाहिए। फिर अध्ययन करता है और फिर अध्ययन करते करते एक समय ऐसा आता है कि भगवान पे अपना मन एकाग्र कर पाता है। तो जो ध्यान है इसके ऊपर का ज्ञान आता है, और ज्ञान के ऊपर क्या है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है। जब भक्ति का योग का वो स्टेज आता है जब निरंतर वो भगवान का स्मरण करते रहता है। ठीक है, तो ये अंतर है।
ठीक है। अब कुछ गुणों के बारे में बताते हैं भगवान, ठीक है। भक्तों के गुण बहुत सुंदर आने वाले हैं गुण। भक्तों के किन गुणों से जाना जाता है भगवान, देखिए ये कुछ अब आज भी अध्याय में बताएंगे, परसों के अध्याय में बताएंगे। 16 तो इसी पे है, देवी और असुरी स्वभाव, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, द्वेष नहीं करता। मतलब कि वो किसी भी तरीके से भगवान द्वेष किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सभी गुणों को पार कर चुका है ना, गुण को पार कर जाए, क्रोध ईर्ष्या मोह लो सारे 6 चीजों से मुक्ति पा गया है, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा आ गया और सभी सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है, शांत हो गया है, धीर हो गया है, स्वयं को शरीर नहीं मानता है, आत्माराम हो गया। आत्माराम का क्या मतलब है? जो भगवान दे रहे हैं उसको लाभ के रूप में भगवान का आशीर्वाद समझ के ले उसको ग्रहण कर रहा है। चौथे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, भगवान बताते हैं, यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत सराहा, यानी भगवान अपनी इच्छा से जो हमें देते हैं लाभ, उसे हम स्वीकार करना, ठीक है, द्वंद तीतो विमत सराहा, कोई द्वंद नहीं रखना, ठीक है, ये इससे ईर्ष्या क्रोध से मुक्त रहना, ठीक है, झूठी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना, हमें ये नमस्कार नहीं करता हमारी और हमारे हम जिस पोजीशन पे हैं, हमारा जो समाज में एक ओहदा बना हुआ है उसको ये कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि ये हमें आदर नहीं करता, परंतु हमारी जो भी प्रतिष्ठा है, आदर है, समाज में हमारा जो भी स्टेचर है वो हमारे आचरण से बनता है, बाकी ये जो भौतिक जितनी भी हमारी उपाधि हैं वो सारे के सारे टेम्पररी हैं, वो एक ना एक दिन समाप्त होने वाले हैं, फिर हम अपना आचरण के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति एक ना एक दिन अपने सर्विस से रिटायर होना ही है, अपना एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जाता है, ठीक है, तो वो उपाधि के लिए हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो ये कुछ गुण हैं, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं सुदामा, वो भगवान के बहुत बड़े मित्र भी और भक्त भी। तो सुदामा का एक छोटा सा कथा आता है कि सुदामा जो है बहुत निर्धन होते हैं, तो उनकी पत्नी बोलती है, क्यों नहीं तुम अपने मित्र के पास जाते हो और उनसे कुछ थोड़ा सा धन का आग्रह करते हो, तो लेकिन सुदामा तो निर्धन रहते हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, तो उनको तो धन से कोई लगाव रहता नहीं है, फिर भी उनकी पत्नी जो है उनको बहुत आग्रह करती है, और जो सुदामा है इसी बहाने भगवान से मिलने बहाने वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनके पास भगवान के ले जाने के लिए कुछ वस्तु नहीं रहता है। तो क्या होता है, उनकी जो पत्नी होती है बगल के घर से थोड़ा सा जो चिवड़ा होता है ना वो लेकर के आती है, बोले ये जाओ भगवान को तुम दे देना। सुदामा जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो जब उनको दूर से ही भगवान देखते हैं तो पहचान जाते हैं और उनको स्वयं लेकर के आते हैं, और जो तस्वीर में देख रहे हैं उनका उनका चरण भी धोते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान भगवान क्या है, भगवान है भक्त वत्सल है, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। तो सुदामा के वो चरण भी धोते हैं और उनकी पोटली से जो वो लेकर के आते हैं चिवड़ा वो भी खा उसका ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जब वापस जाते हैं सुदामा तो अद्भुत देखते हैं, पूरा उनका जो घर का जो कायाकल्प हो गया रहता है, एक महल तैयार हो गया होता है, परंतु सुदामा जो है उससे भी आसक्त नहीं होते। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भगवान का भक्त है वो बिल्कुल आत्माराम रहता है। आत्माराम का क्या मतलब है कि उसे जो भगवान ने दे दिया उस पर संतुष्ट रहता है, झूठी झूठी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता, जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता,
जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, हमें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने जो गुण बता रहे हैं वो एक ऐसा गुण है, जब तक हम अपने तपस्या धीरे 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 करते हुए, जब तक हम डिटैच नहीं होते हैं अपने, जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तब तक ये स्तर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसा संभाव रहता है, चिंता नहीं है, भय नहीं है। ठीक है, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अति अतिशय प्रिय है। मतलब कष्टों से रहित, धन की लालसा नहीं करता, चिंता मुक्त रहता है, किसी दल का भाग नहीं रहता है। जितना भगवान ने दे दिया, 2 बेडरूम में अगर हमारा कार्य चलता है, क्यों? क्योंकि भगवान, हम क्या करते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या रहता है कि पहले हमें एक छोटा सा घर अपने लिए बना ले। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हो सकता हमारी जरूरत जो जिस घर में जितनी में पूर्ण हो रही हो, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, परंतु ये हमारा जरूरत, जैसी हमारी कमाई बढ़ती है हम अपनी जरूरतें बढ़ाते हैं, कभी कभी वो जरूरत नहीं भी होती है। ठीक है, जब दो घर में काम चल रहा है तो भी हमें तीसरे कमरे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 3 कमरा का दरकार है, 3 सफिशियंट है, नहीं और भी बड़ा चाहिए। ठीक है, तो 6 चीजें जो हैं, भगवान रूप गोस्वामी हमारे बहुत प्रमुख आचार्य हैं हमारे हमारे संप्रदाय के, वो कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगा लौलियम च षड्भिः भक्ति विनिश्यति। 6 चीजें जो हैं हमारी भक्ति को नाश करती है, उसमें एक होता है अत्याहार। अत्याहार क्या मतलब, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना जो हमारी जरूरत नहीं है। अगर घर में हमारी 4 शर्ट हैं या 4 कपड़े से हमारी कार्य होती है, फिर भी हम और भी इकट्ठा करते हैं जिसका जरूरत नहीं है। 2 पेन से हमारा काम चलता है, 2 पेन और इकट्ठा करते हैं, ताकि 2 पेन दो वो कहीं शुरू से ही शुरू होता है। एक किताब ले लीजिए, किसी बहुत लोगों का किताब का शौक शौक होता है, तो वो क्या करते हैं, एक किताब कभी पूर्ण नहीं होती, दूसरा किताब खरीद लेते हैं। ठीक है, अत्याहार मटेरियल अचीवमेंट के लिए हमारे खराब है, मतलब जो हम भौतिक जगत में हम कार्य करते हैं उसमें भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अल्पव्यय है। ठीक है, हमारे समय का नष्ट है, उसको अत्याहार ज्यादा इकट्ठा करने के लिए उसके लिए हमें प्रयास भी ज्यादा जरूरत है, करना पड़ता है। जितना जरूरत है उसमें हमें काम, उसमें रहना हमें सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, यही यही तपस्या है जीवन का। अननेसेसरी जो चीजें हमें, हमारी आवश्यकता नहीं है, छोटी सी छोटी चीजें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कभी कभी कोशिश ये कीजिए कि अपने घर में कुछ ऐसे सामान का इकट्ठा कीजिए जिन सामानों को आपके घर में बिल्कुल बहुत सालों सालों से पड़े हुए हैं और उसका कोई उपयोग नहीं है ना, तो इकट्ठा कीजिए और उसको ना किसी को दे दीजिए, जो अपने घर के आसपास जो बाहर जिनको जरूरत है उसको दे दीजिए, और घर में वही वस्तु रखिए जिसका हमें दरकार है। क्योंकि हम कभी कभी क्या है, 15-15 साल पुरानी चीजें भी घर में रखे रहते हैं जो 15 साल से उपयोग में नहीं है, फिर भी घर में है। ठीक है, तो अत्याहार नहीं करना है, वो मटेरियल के लिए भी, हमारे भौतिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है और आध्यात्मिक के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं। कोई भी चीज हमें इकट्ठा जरूरत से ज्यादा नहीं करनी। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आत्माराम तो क्या होता है, अब जैसे प्रहलाद महाराज हैं, देखिए छोटे बच्चे के रूप में उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने क्या नहीं किया, अपने बच्चे अपने पुत्र को ही मारने के लिए क्या प्रताड़ना नहीं की, सांप से कटवाने का प्रयास किया, उनको जलाने का प्रयास किया अपने बहन के द्वारा, हाथी से कुचलने का प्रयास किया, पहाड़ से धकेल करके मारने का प्रयास किया।
परंतु प्रहलाद महाराज क्या थे, पर प्रहलाद महाराज इन सब चीजों से परे थे, ठीक है, ठीक है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मन तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो भगवान बहुत हमारे लिए जो मापदंड दे रहे हैं बहुत ही कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, अगर आप प्रगति करते हैं धीरे धीरे धीरे, हो सकता है हम इसमें पूर्ण ना हो पर इसमें कुछ ना कुछ प्रगति जरूर कर पाएंगे। आपको ये अपना पर्सनल आपका व्यक्तिगत अनुभव रहेगा इन सब चीजों, ठीक है, कि हमें जो भी मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिले या ना मिले, वो खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान को, एक बार क्या होता है, एक प्रभु बता रहे थे कि एक बार भगवान को प्रसाद दिया गया, तो भोग अर्पित किया गया, जब भोग प्रसाद के रूप में आया तो जब भक्तों में बांटा गया, तो एक भक्त सबसे पहले उसने खाना शुरू किया, तो दूसरे भक्त पूछते हैं स्वादिष्ट है ना, तो बोला हाँ हाँ बहुत स्वादिष्ट है, तब दूसरा भक्त भी खाना शुरू किया, तो उन्होंने जब खाया बोला अरे इसमें तो नमक ही नहीं है, तो तुम तो कह रहे हो बहुत स्वादिष्ट है। तो जो पहला भक्त जिन्होंने बोला था बहुत स्वादिष्ट है, तो उन्होंने कहा जब भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया तो हम कौन होते हैं बोलने के लिए कि वो स्वादहीन है, वो तो निश्चय रूप से स्वादिष्ट है, ठीक है। तो हमें जो भी मिलता है उसको भगवान का प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, मान और अपमान से दूर रहना, सुख और दुख से ऊपर उठना। ऐसा नहीं है कि भक्ति बन जाए, भक्त हम बनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें दुख नहीं आएंगे, सुख नहीं आएंगे, गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा नहीं लगेगा, बारिश से हम भीगेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारी आध्यात्मिक इतनी शक्ति, हम शक्तिमान हो जाएंगे कि ये सब तो आना तय है। शीतोष्ण सुख दुखता दुखदा आगमा पायनो नित्या तांस्तथे भजामि। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सुख और दुख तो शीतोष्ण सुख दुख एक मौसम की तरह आना जाना तय है। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं ये तो आएगा ही, ठीक है, मान सम्मान सुख और दुख ये सब आना तय है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इनसे परे हो जाते हैं, ठीक है। ये तु धर्मा धर्मामृतमिदं यथो योक्तम पर्युपासते श्रद्धा श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। तो जो चित्र में देख रहे हैं बिल्मंगुल ठाकुर, बहुत सुंदर, अभी उनका पुरुषोत्तम मास गया, उसमें हम बहुत अच्छा उनका गीत गाते हैं, ठीक है, क्या गाते हैं कि भगवान जो है सबसे बड़े चोर हैं, व्रज में व्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम न गोपांगना नाम दोकुल चौरम अनेक जन्म अर्जिता पाप चौरम चौरांग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान का बहुत अच्छा भी पुरुषोत्तम मास में ये गीत गाते हैं जो बिल मंगल ठाकुर लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान जो हैं व्रज के सबसे बड़े चोर हैं, माखन चुराते हैं, ठीक है, गोपियों के वस्त्र को हरण करते हैं, और सबसे मुख्य अनेक जन्म अर्जिता पाप चौरम चौरांग्रगण्यम न पुरुषम नमामि। कहते हैं कि सबसे मुख्य है अनेक जन्म जन्म से जो हमारे पाप हैं, जो संकुचित पाप मल मैल के रूप में बैठ गया है, वो भी भगवान चुरा लेते, ठीक है। तो बिल मंगल ठाकुर जो हैं ये अंधे थे, इन्होंने भक्ति में अपना उनकी आंखें जो हैं वो शुरू में उन्होंने बहुत पाप किए होते हैं, ठीक है, स्त्री के साथ स्त्री संग करते हैं, और जिसके कारण वो अपने आंखों को खुद ही फोड़ लेते हैं ताकि वो किसी ऐसी वस्तु को ध्यान ना दें और भगवान पे चित्त एकाग्र करते हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे चरम लक्ष्य श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है वो भगवान को बहुत प्रिय है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इन
इस अध्याय के विषय में। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। देखिए, संग बहुत जरूरी है। हम किसकी, कल हमने पढ़ा था ना, संग वर्जिता निर्वैर संग वर्जिता। संग जो है, हम जिसका संग करते हैं, बोला जाता है ना, मैन इज नोन बाय हिज फ्रेंड्स ओनली। तो जो जिसका हम संग करते हैं, वो हमारा संग बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग, हमारा साधुओं का संग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा सा भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करना चाहते हैं, तो हम अकेले ये सफर को, जर्नी को हम नहीं कर सकते। साधुओं का संग बहुत जरूरत है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार करने नहीं होते। भगवत गीता के मध्य 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदय ग्राही है। तो कितना हृदय ग्राही था बताइए। हमने जो 7वां अध्याय से शुरू किया, मैया वेश मनो ये माम युक्त, भगवान बताते हैं ना, मैया वेश मनो ये माम, शुरू से ही बोलते हैं भगवान, मेरे पे मन लगाओ, मन मना भव मत भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु। ठीक है, ऐसा अनेक भगवान श्लोक बोलते हैं जो मेरे पे अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य श तस्याम अहम सुलप्पार्थ नित्य युक्ता उपासते। मेरे में सिर्फ मन लगाओ, अपना चिंतन लगाओ, ठीक है, और बिना विचलित हुए मुझे मेरी भक्ति करो। तो ये पूरा जो 6 अध्याय हमने पढ़ा, इसका सारांश यही है कि भगवान ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के उद्भव हैं, उद्गम के कारण हैं। और हमें हमारा जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु। ठीक है, तो हम भगवान पे मन लगाना हमारा सबसे परम उद्देश्य होना चाहिए। तो आज हो सकता है हम कर्म के स्तर पे हों, पर धीरे 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 हमें यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, और वह कैसे पहुंच सकते हैं, निरंतर जप करके हम पहुंच सकते हैं। भगवान का जप जो है, नाम का जप बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम भगवान भगवान के भगवान तक ले जाने के लिए हमें बहुत बहुत मददगार है। ठीक है, हरे कृष्णा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सबने 6ठा दूसरा भाग गीता का आज उसको संपन्न किया। तो पहला कर्म योग था, दूसरा भक्ति योग आज संपन्न होता है, और कल से हम ज्ञान योग अध्ययन करने वाले हैं। कल का अध्याय आप लोग पीडीएफ मिलता है, उस पीडीएफ को अध्ययन कीजिए। कल का अध्याय जो पहली बार पठन करेंगे उनको, वो क्योंकि वो वेदांत से लिया हुआ है, उससे कुछ कुछ उल्लेख तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, परंतु अगर पढ़ के आएंगे, मैं कोशिश करूंगा बहुत सरलता से समझाने का आपको। ठीक है, सामान्य रूप से समझाने, कल से ज्ञान ज्ञान योग जो है वो शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुनारी माता जी, जी पूछिए पूछिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे प्रभु ईश्वर को डेली भोग लगा के ही भोजन करना चाहिए, तो अगर कोई ऐसा है कि जिसको कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग करना पड़ता है ज्यादा, या कई बार ऐसा सिचुएशन रहता है कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो भोग हम नहीं चढ़ा सकते, हमारे हाथ से बनाया हुआ, ऐसी भी सिचुएशन रहती, तो उस इसमें हम क्या करें? माता जी, दोबारा थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए।
क्या आप पूछ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, दोबारा जी बताइए। मैं मेरा मेरा जी मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपने बोला कि डेली भगवान को कृष्ण जी को भोग लगा के ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, है ना। जी जैसे किसी को अभी रेगुलर ट्रैवलिंग करना पड़ता है तो फिर वो तो मंदिर में नहीं भोग लगा सकते ना, मतलब वो बाहर से खाते हैं या कुछ, तो फिर उस सिचुएशन में कैसा करें। देखिए, धीरे धीरे हैबिट पता बनाइए माता जी, कोशिश कीजिए। मैं मालूम है जिसका थोड़ा सा ट्रैवलिंग होता है उनको प्रॉब्लम होता है, ये मैं समझ सकता हूँ। पर अगर आप मन मन में ये बना लीजिएगा तो आपके लिए कार्य करना बहुत आसान होगा। सुबह जो बनाते हैं, एटलीस्ट कोशिश कीजिए एक या दो समय आप घर के खाने, घर का ही भोजन। और आपका भी, आप सोचिए, आपके जो मेडिकल के डॉक्टर होते हैं वो भी तो यही हमेशा सलाह देते हैं ना, कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप घर का खाना खाइए। ठीक है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है कि घर का आप खाना खाएं। और धीरे धीरे हैबिट बताइए बनाइए। देखिए, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। मेरे खुद के ऑफिस है, मैं कलकत्ता का रहने वाला, मैं कलकत्ता में मेरी ऑफिस है, और नॉर्थ ईस्ट में मेरी ऑफिस है, मेरी भी बहुत ट्रैवलिंग रहती है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी ट्रैवल करूँ मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता। लेकिन हाँ, बाहर गया तो कहीं जगह रुकता हूँ, वहां पे बोल के रखा हुआ है कि ऐसा ही खाना बनाना है, और जहां तक हो सके घर का ही टिफिन लेकर के जाते हैं। परंतु अगर नहीं भी हो, अगर प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए बाहर में ऐसी जगह खाएं, जैसे आज आज के तारीख में तो जैन के फूड भी बहुत जगह उपलब्ध होते हैं, बहुत उपलब्ध है, मतलब हर जगह प्रोमिनेंट है। लेकिन घर का खाना लेकर के जाइए, और कोशिश कीजिए कि अगर शुरू में दिक्कत हो रही भी हो तो एक समय या दो समय जरूर खाए। ठीक है, हो आप सुबह तो घर में ही रहते हैं, रात में घर में रहते हैं, तो सुबह और शाम का, रात का घर का खाना खाइए। घर का खाना तो ऐसे भी खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए घर का खाना खाने का। ये तो अपनी हैबिट की बात है माता जी, कैसे कर सकते हैं उसको रेगुलेट, ये हमारा पर्सनल चॉइस होना चाहिए। हो जाएगा, अगर हम दृढ़ रहेंगे तो हो सकता है, ये संभव है, बिल्कुल हो सकता है। आशीष प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण जी। प्रभु प्रभु जी, प्रश्न है। अभी तो हालांकि थोड़ा जो क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा बहुत क्लियरिटी तो आ गई, लेकिन अगर जैसे घर के बाहर ही है, घर पे ताला लगा है, घर पे नहीं है और घर के बाहर चलेगा, तो ऐसी जगह पे तो हम ढूंढ सकते हैं जैन भोजनालय। पर कई जगह ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पे मांसाहार शाकाहार दोनों परोसा जाता है, तो वहाँ छेद ही होगा खाना, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर घर पे ताला लगा है तो फिर कैसा, प्रभु को भोग कैसे लगाएं। घर में ताला लगा है तो हम चले प्रभु। जाते हैं कभी बाहर माता पिता को ले, जी माता और बच्चों को लेके कभी कभी हम दूसरे शहर जाते हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन हो सकता है, दीदी लोगों के यहाँ ऐसी जगह पे जाना पड़ सकता है कि अभी गांव वगैरह में हमारा खेती का काम है, तो एक दो दिन घर में बंद करके जाना पड़ता है, तो जहां जा रहे हैं वहां, तब उस स्थिति में। जहां जाते हैं वहां कोशिश कीजिए इस हाँ तरह वहां से। लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, और अपने वहां घर कर के सकते अर्च हैं जी, वहां तो कर अपने सकते हैं। घर अपने घर के अर्च विग्रह कोई सामने जो जो भी हैं वहां पे, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कुछ सूखा चीज जी रख करके जाइए, कुछ सूखा नाश्ता रख करके हमेशा उनको ढक के मेवा जाइए। वगैरह, जी 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 ठीक है, जी सूखा जी नाश्ता, कुछ भी वो करते सूखा हैं नाश्ता हो उसको रख करके आप जी उनको वहां जी प्रभु जी। पे जाइए। और प्रभु जी, भोजन प्रसाद या प्रसाद पाने के पश्चात थाली में हाथ धोना सही है कि गलत है। नहीं, थोड़ा थाली में हाथ नहीं धोइए, बाहर जाके बिल्कुल जी थाली में। जी जी प्रभु, धन्यवाद। अभी कुछ अपने अंदर से आया एकदम से, तो मैंने अभी खुद ही बंद कर दिया, पता नहीं अचानक से आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने ठीक खुद ही बंद किया अभी। ठीक धन्यवाद कृष्ण। प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सुमित प्रभु, आज भी चैंटिंग नहीं हो पाई, मेरे से पहले अध्याय समापन नहीं हो पाता है।
OPPO A3, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण। प्रभु जी बीच में एक स्लाइड आई थी, मुझे वो समझ नहीं आ पाई अच्छे से। वो थी जिसमें प्रभु जी बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो ज्यादा ना हर्षित होता है ना उदास होता है, वो मुझे समझ नहीं आ पाई स्लाइड। उसमें कुछ ऐसी चीजें व्याख्या की गई थी कि जो हम होते ही हैं, मान लीजिए कोई अचीवमेंट हुई है या जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ, तो हम हर्षित भी होते हैं। उसमें कहीं लिखा हुआ था कि जो भक्त हर्षित नहीं होता है, तो कुछ कुछ चीजें मुझे उस स्लाइड से समझ नहीं आई। मुझे वो स्लाइड पूरी याद नहीं है, मैं अभी समझ से गया। पहले तीसरी। हाँ मतलब कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं वो कोई भी स्थिति आ जाए, बहुत खुशी का स्थिति आ जाए, तब भी समान संभाव रखता है, बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता। बहुत दुख दुख भी आ जाता है तो बहुत ऐसा नहीं कि एकदम कोने में चले जा रहा है और हमेशा विलाप कर रहा है। उसको क्यों ऐसा है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा वो खुश भी हो जाता है तो उसको मालूम है कि हर खुशी के बाद दुख आना तय है, और भगवान का ये इसके तो ये जो मुझे खुशी मिली है उस किसके कारण मिली है? भगवान के कारण मिली। तो वो हर्षित भी उतना ही होता है जितना वो अपने आप को बैलेंस्ड रखता है। कहने का क्या मतलब है, अपने आप को बैलेंस रहता है। अब कोई एक्सट्रीम इमोशंस नहीं दिखाता है, ठीक है, कोई इतना नहीं कि उछल गया और फिर कोई विपत्ति आ गई तो, क्योंकि आध्यात्मिक इतनी शक्ति है। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने एक दिन और आपको आपको अध्ययन आपको एक दिन और उदाहरण दिया था, जब हमारी हम स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा अग्रसर होने लगते हैं तो ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपको लगने लग जाता है हर चीज के पीछे भगवान है, ऐसा लगता है आपको, लगने लग जाएगा इस, और आप इस पे पूर्ण विश्वास भी होने लगेगा आपको। कि एक बार क्या होता है, जैसे एक भक्त गिर गया है, बाइक से, हमारे बहुत ही क्लोज थे, बाइक से वो गिर गया था, हाथ में काफी चोट आया था उनको, काफी चोट आ गया था क्योंकि बाइक बाइक जो है उनपे हाथ पे ही गिर गई थी। तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस होता है तो क्या होता है, आप सड़क पर अगर किसी को गिरते देखेंगे तो वो दो चार आदमी को इकट्ठा करके रोड रेज जिसको बोलते हैं, रोड रेज होता है ना, एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने किया। परंतु वो भक्त ने क्या किया, अपना बाइक उठाया और साइड हो करके खुद ही अपना सामने बुलाया, पानी डाला, उन्होंने बोला हम भगवान का कितना धन्य करते हैं कि उन्होंने सिर्फ मेरे हाथ में इतना चोट दिया, अभी पता नहीं और क्या हो सकता था। ठीक है, तो ये क्या है, ये आध्यात्मिक शक्ति हमारी बढ़ती है अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा प्रगति होता है तो, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और हम भगवान को हर सिचुएशन में धन्यवाद देते हैं। ठीक है, विपत्ति आई तो हमको ऐसा लगता है कि इससे बड़ी विपत्ति आ सकती थी लेकिन भगवान ने यही तक छोड़ दिया मुझे। ठीक है, और हर्षित जब बहुत ज्यादा उल्लास का हर्ष का आता है तो हम इस तरह समझते हैं कि भगवान ने हमें ये प्रसाद दिया है, ये इसके कारण भगवान ही है, तो हम खुद ही संभाव हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, इसका ये कहने का तात्पर्य है प्रभु। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रार्थना करनी थी। जी जी प्लीज। जब भी आपको ठीक लगे एक बार फिर वो एक दिन, वैसे आपने बताया था कि माला कैसे करते हैं, जब भी आपको कभी भविष्य में ठीक लगे प्रभु जी एक बार फिर मैं बता अभी बताऊं, दीजिएगा मैं अभी चैंटिंग के बताऊं, साथ माला। अभी अभी बताऊं, अभी बताऊं, क्योंकि हमारा धन्यवाद प्रभु, सा, धन्यवाद। सा, समय का कोई नहीं है प्रभु, अब अभी बोले, अभी इसको करके आपको बताता हूँ। ये प्रभु आप देख पा रहे हैं, सबसे जो माला है इसे सुमेरु माला कहते हैं, यहाँ सुमित प्रभु ने शायद भेजा भी है, पंच तत्व इसको, यहाँ जब इसको पहली माला पकड़ते हैं हम तो पंच तत्व का मंत्र का उच्चारण करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। ठीक है, ये पंच तत्व हो गया, और पहले माले में हम जाते हैं
और पहले माले में हम पूरा उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूर्ण उच्चारण जब हम समाप्त होता है तो फिर हम दूसरे माले में जाते हैं, दूसरे मोती में जाते हैं, फिर हम वही उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये उच्चारण समाप्त हुआ, फिर हम तीसरे में जाते हैं। ऐसे करते 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 ये 108 बीट की माला होती है, इस माले को हम पूर्ण करते हैं। और जहां जैसे आपने यहां से शुरू किया और आप यहाँ पे खत्म करते हैं, तो जहां आप समापन कर रहे हैं फिर वहीं से दूसरा आपको स्टार्ट करना है। ये नहीं कि जहां आपने समापन किया और सुमेरु समापन किए फिर आपको पंचतत्व बोलना है, पंचतत्व बोलने के बाद फिर हमें वहीं से स्टार्ट करना है जहां से शुरू करना है, जहां से हमने समापन किया है। ठीक है, तो ये जप का यही नियम है। यहां से जाइए, स्टार्ट करिए, सुमेरु माता मोती से स्टार्ट कीजिए, पूर्ण कीजिए, हर एक माले में हरे कृष्ण का उच्चारण समाप्त करना है, फिर दूसरे माले में जाने हैं, दूसरे मोती में जाना है, और यहाँ जाकर जहाँ पे समापन करते हैं, समापन करने के बाद फिर सुमेरु माता माला में आइए, यहाँ फिर हरे कृष्ण पंच तत्व का जप कीजिए, फिर जहां से समाप्त किया है आपने वहां से दोबारा आप स्टार्ट खोलिए और समाप्त कीजिए। ऐसे करते करते आपको जाना है। ठीक है प्रभु, आपको कुछ भी अगर अभी समझना चाहते हैं तो पिछले दोबारा आप समझ सकते हैं, अगर कहीं भी कुछ हाँ जी, प्रभु जी, मुझे पूछना है, जैसे सुमेरु पे हमने सुमेरु के बाद किसी भी तरफ मैं शुरू कर सकता हूँ, जी या जी 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 किसी भी तरफ, जो किसी भी तरफ, किसी भी तरफ किसी ना? जी 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 किसी भी तरफ, यहां से यहाँ, कोई उसके लिए कोई ये नहीं है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते, बस ये स्मरण और वापस रखिएगा। फिर मुझे सुमेरु, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आप अपनी क्वेश्चन बोलिए, सॉरी आपको हम बीच में रोक बताइए। गए, प्लीज। कोई नहीं प्रभु, नहीं, आप बताइए प्रभु जी, क्या कह रहे थे बताइए। आप कहीं से भी शुरू करते हैं प्रभु, और जहां समापन करते हैं वहां से फिर सुमेरु माता में आपको पंच तत्व को उच्चारण करना है, और फिर वहां से ही आपको शुरुआत करना है दूसरा दूसरा माला का। पहला चैंटिंग किसको बोले, जब हमारी 108 का 108 नाम का जप हो गया तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड राउंड वहीं से शुरू करना है जहां से हमने छोड़ा है, एंड किया है। ठीक ठीक है, है, वहां से सेकेंड राउंड शुरू करना, फिर ऐसे करते करते ऐसे यही साइकिल करते रहना, यही साइकिल करते रहना। ठीक है, बस ठीक है, ये ठीक है, ध्यान रखना है प्रभु कि सुमेरु माता माला को कभी भी क्रॉस करना नहीं है, हम जहां खत्म कर रहे हैं हमें वहीं से स्टार्ट करना है। जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सुमित प्रभु ने अभी पंच तत्व प्रणाम मंत्र डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप लोग सब इनको नोट भी कर लीजिए। प्रभु जी, सुमित प्रभु, आप इसमें व्हाट्सएप में भी डाल दीजिए, क्योंकि अभी तो चैट खत्म हो जाएगा ना, बहुत लोग शायद नोट ना भी जी करें। ठीक है, तो जी ये 18 दिन समाप्त होते होते तक आप सबसे प्रार्थना है, एक माला आप कंप्लीट जरूर कीजिए। मेरी इच्छा है कि आपके साथ एक माला करूं, आज भी करना था भी नहीं करता। सोनाली माता जी, कुछ प्रश्न है पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। सॉरी गुरु जी, मेरा थोड़ा सवाल अधूरा रह गया था, वो म्यूट हो गया था। तो ठीक है कोई बात, उसमें मैं ये पूछ रही थी कि जैसे लगाने के बाद माता जी आप फिर म्यूट हो गई हैं। हेलो हेलो, जी माता जी, अरे आवाज आ रही है कुछ, प्रभु जी? जी जी आवाज आ रही है। मेरा ये सवाल था कि जैसे जो भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो फिर थोड़ा देर रख के फिर उसके बाद मतलब क्या करना है उस भोग का लगाने के बाद?
देखिए, जब भोग लगाते हैं सबसे पहला आपको भोग के दो नियम बता देता हूँ, ठीक है। भगवान 16 वर्ष के हैं तो आपको भोग उतना अर्पित करना है जितना आप 16 वर्ष का एक बच्चा या जो 16 वर्ष का जितना आपको खाना खाता है उतना भोग के प्लेट में उतना भोग रखना चाहिए, पहला नंबर वन। नंबर टू, हमें ये सोच करके भोग उतना देर छोड़ना है जितना देर एक 16 साल का बच्चा भोग खाने में जितना समय लगाएगा, कितना समय लगाएगा वो सोचिए। 15 मिनट तो जी, लगाएगा, 15-20 मिनट तो लगाएगा 10 से 15 मिनट। उसको हाँ भोग का, ठीक है। हाँ तो 15 मिनट लगाएगा, तो 15 मिनट स्टैंडर्ड टाइम रखिए कि आप 15 मिनट को उसको आप जहाँ भोग अर्पित कर रहे हैं भगवान को, आप उस दरवाजे को बंद कर दीजिए, दरवाजा उसमें नहीं है तो पर्दे को लगा दीजिए और वहां से चले जाइए। जी और जब 15 मिनट बाद आप जाते हैं तो नॉक करके जाइए और दरवाजा नहीं है तो ताली बजाते हुए जाइए, ठीक है। ताली बजाते जी हुए जाइए और फिर घंटी बजाइए, तब फिर ग्रहण वहां से भोग को आप वहां से लेकर जाइए और जो आपका मेन फूड है, मेन कोर्स है, उसमें जाकर के उसको मिक्स कर दीजिए, आपका सारा खाना प्रसाद हो जाता है। जी गुरु जी, बस वही सवाल पूछना था। एक ये है कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, तो अभी प्रसाद में जी, हमारी तो डेली इसमें, अच्छा वो बाकी मतलब हम खा सकते हैं, प्रसाद में नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रसाद में नहीं चढ़ता, बिल्कुल प्रसाद में नहीं चढ़ता। जी, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण सागर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम प्रभु। मुझे आप एक दो सवाल है, एक में मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। फर्स्ट जो मार्गदर्शन चाहिए मुझे आपका ये है, जैसे मैं डेली प्रभु के लिए प्रसाद बनाता हूँ, जो भी कुछ जी बनाता हूँ खान ये सब्जी और मीठे में कुछ भी, जैसे प्रभु मेरे पास, जैसे जैसे मैं सब्जी बनाता हूँ तो मेरे पास जैसे 10 मिनट या 15 मिनट बच जाए बीच में, तो मैं क्या करता हूँ उसके अंदर जाके एक दो माला कर लेता हूँ, क्या वो मैं जी सही करता हूँ या हाँ मुझे हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर सकते और हैं, दूसरा बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि मेरा टाइम बच जाएगा, अगर मैं टाइम वैसे जैसे फोन चलाऊंगा या कुछ करूंगा तो सोचता हूँ उसमें मैं माला कर लूँ। दूसरा जैसे मैं पर भगवान को भोग लगाता हूँ और मंत्र लगा नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय, ये वाला मंत्र करता हूँ मैं 3-3 बार। हर जो ग्राफ है, एक ग्राफ 3 बार पढ़ता हूँ, एक ग्राफ 3 बार पढ़ के ये मंत्र वाला से मैं भोग लगाता हूँ भगवान को, और फिर भोग लगा के उसके बाद मैं आ जाता हूँ रूम में, मतलब वहां पे प्रसाद रख के फिर उसके बाद फिर मैं माला करता हूँ 15 मिनट तक, मतलब 2-3 मिनट माला कर लेता हूँ। मुझे इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, एकदम यही यही सही मार्ग है और आप एकदम सही मार्ग में, सही से यही उचित मार्ग है। और भोग जब लगाते हैं तो सबसे पहले गुरु को नमन कीजिए, जैसे आपने मंत्र बताया, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। इसके बाद भगवान के मंत्र का दो मंत्र है, अगर वो मंत्र स्मरण नहीं है तो लिख लीजिए, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तस्य नमः, नमो ब्रह्मां देवाय गौ ब्रह्मां हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ये मंत्र है भोग मंत्र, इसको लिख लीजिए कहीं पे और जब अर्पित करते हुए इसको 3-3 बार बोलना है, ठीक है। पहला हम गुरु मंत्र बोलते हैं क्योंकि हमारे से तो भगवान खाने से रहे, हमारे प्रभु तो जी कितनी एक, अशुद्ध। प्रभु जी एक बिल्कुल मिनट प्रभु जी, 1 सेकंड 1 सेकंड। जो मेरे पास है, जो मंत्र है मेरे पास ये है, इसमें इसमें मेरे हैं 3 ग्राफ हैं। एक तो नमो विष्णु पादय कृष्ण प्रेष्ठ भूतले वाला हो गया, एक नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी, एक हो गया नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे, एक हो गया नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणिताय। तेरे के जो पंचतंत्र मंत्र है और एक महामंत्र है, ये इनको मैं 3-3 बार वो करता हूँ प्रभु। पहला जो मंत्र है आपका वो गुरु मंत्र है, नमो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवे, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रजाने निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देश तारिणी। ये जो एक है एक गुरु मंत्र है, ठीक है। तो इसको एक बार बोलिए और बाकी के जो दो मंत्र है उसको 3-3 बार बोलिए। देखिए प्रभु ने भी डाल दिया है, ठीक है, सुमित प्रभु ने बहुत अच्छे से चैट में डाल दिया है, इसको 3-3 बार बोलिए।
और आप ठीक है, मार्ग आप बिल्कुल आपका उचित मार्ग है, हाँ जी उसको प्रभु थोड़ा प्रभु सा ऊपर प्रभु जी, नीचे कर हाँ लीजिए, ठीक है। जी प्रभु जी, मेरे पास यही मंत्र है जो हाँ ये प्रभु सुमित प्रभु जी ने भेजा अभी, भोग मंत्र। मैं इसको 3 3 बार करता हूँ, इसको हर एक जो ग्राफ है जैसे नमः ओम विष्णु वाला है, इसको मैं 3 बार करता नहीं, हूँ उसको मंगल एक के बार साथ करना इसको। है आपको, उसको एक ही बार अच्छा कीजिए, जो फर्स्ट, क्योंकि ओके पहला जो ये जो फर्स्ट है। हाँ वाला है, हाँ फर्स्ट हाँ वाला है उसको एक बार करना, बाकी जो नमस्ते सरस्वती वाला, नमो महावंदने कृष्ण प्रेम प्रदाय, और नमः हाँ ब्राह्मण देवे गो ब्राह्मण, उनको 3 3 बार करना है। आप इसके पीछे, रीजन भी समझ लीजिए। तो क्या होगा, हमारी श्रद्धा जो हम कर रहे हैं ना, जो हम करते हैं उसके पीछे अगर रीजन भी हमें समझ में आता है साथ साथ में, तो हमारी श्रद्धा और बढ़ती जाती है। तो पहला हम गुरु मंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे में तो इतनी अशुद्धियां हैं कि हमारे हाथ से तो भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो हम गुरु को निवेदन करते हैं कि गुरु आप मेरे ये प्रसाद को भगवान को अर्पित कर दीजिए, आप तो इनके पार्षद हैं। तो इसलिए हम सबसे पहला गुरु को वंदना करते हैं ताकि वो हमारे प्रसाद को भगवान को अर्पित कर सके। इसलिए भगवान के दो मंत्र होते हैं और गुरु का पहला मंत्र गुरु का बोलते हैं, ठीक है। और अंत जब करते हैं आप, तो पंचतत्व से अंत कीजिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी 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 नित्यानंद प्रभु श्री जी, अद्वैत गदाधर शिवाचार्य, बस ठीक है। तो आप क्योंकि बिल्कुल मैं सही मार्ग है आपका। जी प्रभु जी, मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, जो पूरा मंत्र है ना, जो प्रभु जी जो भोग मंत्र है, मैं इसको 3 3 बार करता हूँ, हर ग्राफ को 3 3, जो चाहे पंचतंत्र मंत्र है या महामंत्र है या पूरा जो ये गुरु वाला है, जो भी ये मंत्र है, मैं सारा 3 3 बार करता हूँ मैं टोटली। तो ठीक है प्रभु, आपका बिल्कुल उचित मुझे मार्ग जो है। मुझे फर्स्ट वाला मुझे एक बार करना है, और जो ये नमस्ते सरस्वती, नमो महावन्नाय और नमो ब्राह्मणाय, और ये मुझे 3 3 बार करना चैंटिंग। नमस्ते आपको गुरु मंत्र है, वो उसको 3 बार नहीं करना, नमो ओम और नमस्ते, ये गुरु मंत्र का एक ही पाठ है, ये एक ही मंत्र है। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी, ये एक मंत्र है, ठीक है, इसको एक बार तो इसको कीजिएगा इसको सिंगल टाइम करना मुझे। जी, ओके बाकी प्रभु को जी, 3 3 और बार इसके कीजिए बाद वाले, और इसके बाद जो सारा है उसको 3 3 बार करना है जी। जी प्रभु। और इसके बाद फिर मैं प्रसाद लेके उसको मिक्स करके फिर मतलब मिला के आप सारे उस प्रसाद में, तो फिर मैं ये प्रसाद मंत्र, जो प्रसाद सम्मान मंत्र है उसको मैं करता हूँ, महाप्रसादी गोविंद नाम ब्राह्मण, तब मैं उसके बाद खाना खाती प्रसाद खाता हूँ प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है प्रभु जी, यही मुझे इसमें मैं मार्गदर्शन चाहिए था आपका। और दूसरा मेरा सवाल ये था, जैसे आपने प्रभु जी अभी माला बताई, अभी जैसे हम यहाँ सुमेर पर्वत जो हम बोलते हैं उस पे हम पंचतंत्र मंत्र किया हमने प्रभु, उसके बाद फिर हमने 108 जो बीट्स है माला के वो हमने जाप किया पूरा, तो उसके बाद हम कहते हैं कि उसको सुमेर पर्वत को लांघना नहीं है, तो जो हम दोबारा पंचतंत्र मंत्र करेंगे वो सुमेर पर्वत पे करेंगे या जो लास्ट वाले बीट्स था उस पे करेंगे हम, नहीं, जब सुमेरु हम में दूसरी करना माला है, स्टार्ट करेंगे। अच्छा उसको घुमा के जैसे आएंगे तो सुमेरु पर्वत पे करना है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको लांग के मिला। पंचतत्व पंचतत्व मंत्र सिर्फ सुमेरु में ही करना है। ओके प्रभु जी, मैं मेरा यहाँ पे गलती हो रही, क्योंकि मैं जैसे उसको लांगता नहीं था, मैं से लास्ट में जैसे खत्म होती थी मैं घुमा के उस लास्ट बीट पे ही वहीं से स्टार्ट कर देता था मैं दोबारा से। नहीं, लास्ट बीट तो 108वां बीट है प्रभु, लास्ट बीट जो होता है वो जी प्रभु 108वां बीट है। तो हमारा को तो 108 बीट तो हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है, सुमेरु में पंचतत्व के मंत्र को उच्चारण करना है। शुरुआत करते हैं तो भी कीजिए, और ओके 108 प्रभु बीट जब खत्म करते हैं तब भी कीजिए, ठीक है प्रभु। ओके ओके, 108 पे करके और उसको घुमा के और लांगे बिना उसको करके फिर उस पे मंत्र करके फिर माला स्टार्ट करनी है प्रभु जी बिल्कुल, जी। प्रभु यही डाउट था मेरा, क्योंकि मुझे यही इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा था यही, इसलिए मुझे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंकजा कशी माता जी, हरे कृष्ण माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रभु कृष्ण दंड प्रणाम माता जी। जी, मैंने भागवतम लिया है अभी, उसको हरी बोल हरी बोल कैसे हरी बोल। पूजा करना है प्रभु जी? अभी कई साल हो गए प्रभु जी मेरे को मिला ही नहीं था, क्योंकि हिंदी में पढ़ना थोड़ा श्लोक में मुश्किल होता था, इसलिए मैंने अपनी लैंग्वेज मलयालम में मैं उसी के किताब ढूंढ रही थी। अब मैं परसों यहाँ पर दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल है वहां गई, किताब ऑर्डर किया है, अभी कल तक पहुंचेंगे।
उसको कैसे करना प्रभु जी पूजा सबसे पहले? मंत्रों से उच्च मंत्र से वो कीजिए, और नहीं तो सबसे पहले भगवान को जिस तरह भोग अर्पित करते हैं ना, पहले भोग अर्पित कर लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, और भोग अर्पित ओके, जैसा करते हैं वैसा कीजिए, और फिर उस जिस दिन आप भोग अर्पित, उसके पहला चैप्टर जरूर पढ़िए, थोड़ा सा उसका अध्ययन, क्योंकि भगवान को ग्रंथ का अध्ययन करना ही भगवान की पूजा है। तो पहला अच्छा, श्लोक जो है वो उसको जरूर पढ़िए, और सबसे हाँ अच्छा जी, आपको आपको ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ आपको मलयालम में भागवतम की निशुल्क क्लास चलते हैं, प्रभु लेते हैं 8 बजे हाँ या तो 9 बजे। हाँ जी, 8 बजे, 7:30 बजे प्रभु जी, मैं अटेंड कर लेती हूँ अच्छा, अटेंड करते हैं ना, धनंजय बहुत प्रभु जी। सुंदर, हाँ जी, बहुत। हाँ जी, वो भी करती हूँ, 9 बजे का दूसरा प्रभु जी का भी कर लेते हैं, हिंदी का, अच्छा, गौरी शंकर प्रभु के। अच्छा गौरी शंकर प्रभु जी का अटेंड तो कर लेती हूँ प्रभु जी, किताब नहीं था अच्छा बहुत सुंदर, आपने उच्च सम। सबसे बड़ा धन अर्जित किया है, ये सबसे बड़ा धन है। हाँ बहुत बड़ा है प्रभु जी, बहुत बड़ा है, क्योंकि काफी सालों से, मतलब 1-1.5 साल से मेरे को इच्छा थी भागवतन लेना है, लेना है, मिल नहीं रहा था। वहाँ मैंगलोर में भी पूछा था, लेकिन वहां पर भी धनंजय प्रभु जी ने कहा था है ही नहीं, उधर भी पूछो कह रहे नहीं है, कहीं भी मिल नहीं रहा था। कल वहां जाके अचानक ही मिल गया, वो भी प्रभु की, आप लोगों की सबकी इच्छा कृपा से सब कुछ मिल गया। भगवान की अभी ये कृपा अभी है। कोई हाँ, कौन सा दिन पढ़ना शुरू करना है वो प्रभु जी, नहीं, ऐसा कोई नियम है? मासा जी कुछ ऐसा दिन नहीं, बिल्कुल पहला दिन से स्टार्ट कीजिए पढ़ना उसको, और पहला नहीं श्लोक नहीं बहुत मतलब सुंदर पहले श्लोक है। स्टार्टिंग, अच्छा नहीं पहले वही तो कह रही, पहले किताब में ना खोलना कब करना है, कोई त्योहार नहीं, इसका कोई नहीं, आपको तत्काल कृष्ण किसी जयंती वाला दिन करे या कल से कीजिए माता जी, कल से कीजिए, नित्यम भागवत सेवया, हर दिन होना चाहिए उनको, हर दिन सेवा कल चाहिए, किताब? भागवतम की सेवा अच्छा हर दिन। देखिए सबसे पहले उनका क्या श्लोक होता है, नारायण नमस्कृत नरम, नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा जी, श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। तो सबसे पहले नित्य सेवा, उसका नित्य सेवा है कि उसको जिस दिन आप प्रदापन कर रहे हैं, भगवान को भोग पर अर्पित करके कर रहे हैं, उसका पहला श्लोक आप पढ़ लीजिए, वही उनका पूजा है। ठीक है ठीक है माता, प्रभु हरे जी, धन्यवाद। ठीक है कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आज एक बार माला भी तो करनी थी लास्ट में कोई हाँ, आज रह गया माता जी, किसी दिन समय ही नहीं हो पाया आज, बिल्कुल आज बात आज करने नहीं, का सुमित प्रभु कोई बोला था, आज हो नहीं पाया, अब पता नहीं किस दिन, कल तो कोई बहुत बात नहीं, टाइट कल से रहेगा, करेंगे प्रभु। कल 13th चैप्टर है, हाँ कल बहुत तो लंबा ज्यादा अध्याय टाइम है, है, तो हाँ कोशिश करेंगे चलो कोई बात नहीं, कोई तब 16वां दिन करें, या जैसा आले सुमित प्रभु सजेस्ट करेंगे वैसा करते हैं। आप लोग सब लोग जल्दी आ जाइए, तो 10 मिनट पहले स्टार्ट कर लेंगे, सब लोग आते नहीं है ना सब लोग आते नहीं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। डॉक्टर माता जी, डॉक्टर वत्सला शर्मा माता जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण माता जी। प्रभु जी जिसके लिए कहने जा रही थी, मैंने भी देखा, वो सुमित प्रभु जी ने ग्रुप में भेज दिया है जी, वो भोग मंत्र जो था ना उसके लिए हाँ कहना चाह रही थी कि वो व्हाट्सएप पे एक बार भेज दें, तो मैंने अच्छा, अभी भी देखा कि उन्होंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है। अच्छा प्रभु जी, एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे जो आपने हमें भोग मंत्र बताया, तो क्या बिना भोग मंत्र के क्या भोग स्वीकार्य नहीं होता? नहीं, माता जी बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको भोग मंत्र स्मरण नहीं है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र करके आप जैसे भोग अब अर्पित। जी, अभी तक तो प्रभु जी क्या क्या होता है कि बहुत सालों से हम जो भी, क्योंकि सुबह के समय में जैसे हमारी आदत है कि हम इलायची दाना या मिश्री जल के साथ में कुछ ना कुछ जरूर एक मंदिर में रखते हैं, तो जी हम लोग एक छोटा सा वो है कि आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, बिल्ली के बेर सुदामा के कंचुल ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर खावे मेरे प्रभु जी, तो ये इसमें कई सारी और लाइन्स हैं, तो हम लोग यही कह करके शुरू से हम लोग जो भोग लगाते हैं प्रभु जी का जी,
तो मैं उसी को ही जानना चाह रही थी कि जैसे आप तो खैर मुझे भोग मंत्र बताया अभी आपने, तो क्या जैसे अभी तक हम ये भी अपना पढ़ते हैं तो क्या ये भी हमारा पूरा उसी में हमारा आ जाता है? आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं माता जी, वो मुझे तो थोड़ा सा ज्ञान नहीं है उसके बारे में, जी, परंतु मंत्र अगर नहीं प्रभु जी, कुछ भोग के समय कुछ वो आरती, एक थोड़ी सी कुछ लाइनें आ जाती हैं, एक जैसे होता है ना कि आओ भोग लगाओ मेरे हाँ प्रभु जी हाँ हाँ करके, समझ गया जो मैं, है ना समझ भोग, हम लोग गया। पूजा के बाद उसी से भोग लगाते हैं। जी, तो माता जी तो उसी का बस ही पूछ रही थी प्रभु जी। इसको ऐसा कीजिए माता जी, आप उसका देखिए, जो आपकी हैबिट है उसको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐड कर सकते हैं आप, जिससे क्या होता है हमें अश्योर्ड हो जाता है कि भगवान हमारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। वो कैसे होगा माता जी, सबसे पहले हम गुरु को नमन करेंगे, क्योंकि हमारे में, जैसे मैंने अभी बताया प्रभु को भी, हमारे में इतनी अशुद्धियां होती है ना, कि हम क्या है भगवान को प्रेम पूर्वक दे जी रहे जी नहीं दे रहे हैं, उसको भगवान ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे जी मालूम नहीं। तो हम सबसे पहले हाथ जोड़ के गुरु को नमन करते हैं कि भगवान, गुरु आप भगवान को अर्पित कर जी दीजिए। तो आप गुरु मंत्र कर लीजिए, वो बहुत जी जरूरी है, शुरू में गुरु मंत्र जो बहुत जरूरी है, और जी हरे कृष्ण महामंत्र कर करके फिर आप अपना अपना जो आप बोलते हैं उसको बोल लीजिए, ये दोनों कर करके आप भोग अर्पित कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, ठीक है, फिर चलते हैं, कल आपसे मुलाकात होगा। वांछा कल्पतरु भैश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, आप सभी को हरे कृष्ण।